दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कुछ ही महीनों पहले भारतीय रेलवे ने कबाड़ बेचकर 2500 करोड़ रुपए की भारी कमाई की थी। चलो ये तो ठीक है क्योंकि ये भारतीय रेलवे के ही स्क्रैप थे, लेकिन अब तो भारतीय रेलवे ने पैसेंजर्स से पैसे वसूल कर 125 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये कमाई उन पैसेंजर्स से वसूली की गई है जो अपना टिकट नहीं लेते हैं और बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। सो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिना टिकट ट्रेवल करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि अब तो रेलवे ने सरप्राइजली टिकट चेक करने के लिए टीटी को तैनात किया है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं टिकटलेस पैसेंजर्स ने रेलवे का काफी बड़ा फायदा कर दिया है। वेस्टर्न रेलवे ने अप्रैल से नवंबर तक टिकटलेस पैसेंजर से जुर्माना वसूल कर 125 करोड़ रुपए की भारी कमाई की है और इस कमाई को पिछले साल की कमाई से कंपेयर किया जाए तो इस साल रेलवे ने 125% की भारी बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। वेस्टर्न रेलवे ने अप्रैल से नवंबर तक इंटेंसिव टिकट चेकिंग अभियान इस रिकॉर्ड जुर्माने को वसूल किया है। वेस्टर्न रेलवे एसी लोकल ट्रेन में अनऑथराइज्ड प्रवेश करने पर रोक लगाने के लिए सब अर्बन लाइन पर बार बार सरप्राइजली टिकट चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और अप्रैल 2022 में 26,650 से भी ज्यादा पैसेंजर्स को दंडित किया गया है। लास्ट ईयर नवंबर मंथ को देखा जाए तो इस मंथ 1.70 लाख टिकटलेस पैसेंजर से 12 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया था जिसमें बिना बुक का सामान भी इंक्लूड था और इस साल भारतीय रेलवे ने तो 127% की भारी बढ़ोतरी के साथ जुर्माना वसूल किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, लोकल ट्रेन, एसी लोकल ट्रेन या फिर पैसेंजर्स ट्रेन किसी भी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो प्लीज टिकट लेना ना भूले, वरना आप पर भी अच्छा खासा जुर्माना ठोक दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। टिल देन, गुड बाय।